हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल में मेटल ज्वेलरी डिजाइन क्लासेस। अगर उससे पहले आपने हमारे दूसरे वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, आप वहां से हमारे सब वीडियो देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम मेटल को ओपन कर देते हैं, उसके बाद हमने जहाँ पे फाइल सेव की थी वहां से हम फाइल ओपन कर देते हैं। सबसे पहले फाइल ओपन करने के लिए क्या करने का, सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाने का, उसके बाद ओपन, उसके बाद आपकी फाइल जहाँ पे भी आपने सेव की है वहां से आप उसको ओपन कर सकते हैं। मेरी फाइल डेस्कटॉप में है तो मैं डेस्कटॉप में जाकर मेरी फाइल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये है मेरी फाइल, ओके। तो आपको भी इस तरह से आपकी फाइल को अपनो ओपन कर लेना है, ओके। तो उसके बाद कल दोस्तों हमने सीखा था यहाँ तक, ओके। तो उसके बाद दूसरा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बनाते हैं हमको ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला दिल है, हार्ट, वो बना रहे, ठीक है। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका शेप लेना पड़ेगा। शेप आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, वो दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ शेप कैसे लेना है। तो सबसे पहले जेम में जाने का, यहाँ से फोटो हाइड कर देते हैं। सबसे पहले जेम, उसके बाद जेम लोडर। उस जेम लोडर में जाने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, वहां से होगा हार्ट शेप में ले लीजिए, उसके बाद कोई भी डायमंड लीजिए हार्ट शेप का, ठीक है। उसको यहाँ पे बंद करने के बाद वापस ऊपर चले जाइए, ठीक है। इसको भी व्हाइट में डाले था जिसकी में जरूरत नहीं है, ये वहां डायमंड आ गए हार्ट शेप का। तो मैं देखता हूँ कि आपको इसको कहूँ कैसे ड्रॉ करना है, ओके। सबसे पहले डायमंड सिलेक्ट करने के बाद F6 दोस्तों दबाने के बाद यहाँ पे नीचे भी आएगा, दिखते जाए आप कैसे करता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर लगेगी इसमें। F6 दबाने के बाद नीचे आएगा जेम प्रोफाइल। जेम प्रोफाइल क्लिक करने के बाद आपको करना है राइट क्लिक और उसके बाद डायमंड को डिलीट कर देना है, ओके। ये हमारा तो आ गया है। तो अभी हम पिक्चर फ्रेम प्रमाण उसको सेट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे हम उसको लॉक कर देते हैं पहले पिक्चर फ्रेम। लॉक होने के बाद हमको जितना शेप चाहे इतना हम उसको लॉक, उसके लिए करना होगा 3D। और 3D करने के लिए कौन सिलेक्ट किया, उसके बाद उसका शॉर्टकट किए 3D एंड स्पेस, उसके बाद F4। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हमारे पिक्चर के हिसाब से, ठीक है। अभी हमको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, वो छोटा हो गया है, उसे वापस 3D लेके और फिर 3D करके यहाँ से क्लिक करके थोड़ा इसके हिसाब से हम बड़ा, देखिए ये हमारा बड़ा हो गया है। तो अभी आपको देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है हार्ट शेप वो थोड़ा ऊपर की ओर है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट को ले लेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसको सेंटर में ले लीजिए, उसके बाद शिफ्ट को लेने के लिए मैंने आपको सिखाया था शिफ्ट का। सबसे पहले कमांड ले लीजिए ये वाला, उसके बाद ये इसको ऑन कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक किया और दूसरा क्लिक यहाँ पे। उसके बाद हमको जितना शिफ्ट लेना है उसके आपको कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल पर ऑन करिए, यहाँ से डिलीट और ये शिफ्ट टू, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं M स्पेस करके, ओके। ये हो गया हमारा शिफ्ट टू का ऑप्शन, ओके दोस्तों। उसके बाद यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा, इसके लिए सिलेक्ट किया, कॉमन लिया एंड फिर एक कट यहाँ पे और एक कट यहाँ पे, ओके। हमारे देखिए कट हो चुका है। अभी हमको दूसरा भी कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से। उसके बाद राइट व्यू को हमने करके इस तरह से हमको ये ड्रॉ करना है। तो उससे क्या एकदम परफेक्ट शिफ्ट लगेगा, देखिए ये यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद पहले ये सिलेक्ट करने का, सब साथ में सिलेक्ट करके NET मतलब नेट सरफेस, मैंने आपको सरफेस में सिखाया था कमांड, वो कमांड यहाँ पे आता है नेट सरफेस, उसका शॉर्टकट की है NET, ओके। उसके बाद सब कर्व जो एक कर्व है उसको डिलीट करना है, तो क्या करेंगे SC एंड स्पेस, तो जितने भी कर्व है सब कर्व आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से डिलीट, ओके। अभी इस पर सरफेस आया है तो सरफेस को हमको हाइट देनी है। हाइट देने के लिए मैंने आपको कल सिखाया था EEE, उसके बाद आपको जितना देना है मैं आपकी -6 दे रहा हूँ, ओके, -0.6। तो ये हमारा हाइट हो गया है -0.6, ओके। ये अभी हो गया है, अभी हम पिक्चर पे सेट कर देते हैं, ओके दोस्तों। देख यहाँ से पूरी तरह से पूरा सेट हो गया है, ओके। तो उसके बाद दूसरा पार्ट है ए वाला, तो अभी चले हम ए बनाते हैं, उसको पहले हाइट में डाल लेते हैं, ओके। उसके लिए हमने लिया है ए वाला, यहाँ से ऐसे किया इसको इस तरह से, ओके। उसके बाद दूसरा कमांड है, एक यहाँ पे क्लिक किया और एक यहाँ पे, उसके बाद आप इससे इस तरह से ले जा सकते हैं, देखिए
ठीक है, ए हो गया। उसके बाद पीछे अपन को वापिस आई दे रहे, और जॉइंट जॉइन करने के बाद हमको इसको ऑफसेट देना है। तो ऑफसेट पिक्चर के हिसाब से देना है, जैसे आपको साइड देते हैं, हम देते हैं अभी 0.6 तो कम है, तो 1 देते, ठीक है, 0.8 रखते हैं। ये देखिए हो गया। ओके, अभी इसमें भी शिफ्ट टू है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें शिफ्ट टू कैसे करना है। देखिए हमारा साइज तो हो गया कम्प्लीट, तो अभी हम इसमें भी शिफ्ट टू कर देते, ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, यहाँ से लीजिए और यहाँ से, और फिर राइट में करके सेम प्रोसेस। देखिए इस तरह से आप इसको शिफ्ट टू दे सकते हैं, ऐसा कोई पार्ट आया तो। उसके बाद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड शिफ्ट टू की शॉर्टकट की है S2। देखिए ये हमारा बुरा शिफ्ट टू इसमें आ गया है, देखिए इस सरफेस आ गई है। और अभी हम कर्व इसको डिलीट कर देते हैं, कर्व डिलीट करने के लिए S C S P S, और ये कर्व सब डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसको OS वो है देंगे, OS मतलब कि सरफेस में आपको बताया था सरफेस एंड ऑफसेट, ये वाली जो है ऑफसेट सरफेस, तो उसकी शॉर्टकट की है OS। OS करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे की ओर लेना है, तो हम लेते हैं पॉइंट -0.6। ओके, इस तरह से, तो कभी कभी इस तरह से आ सकता है। तो अभी हम इसको दूसरी देते हैं, ये देखो यहाँ से अलग अलग है जॉइंट, ठीक है, तो उसको हम पहले ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले सरफेस में जाने का मैंने आपको सिखाया था मर्ज, देखिए मर्ज, ठीक है, उसकी वीडियो मैं आपको ऊपर दे देता हूँ, ठीक है, वहां से आप इसको वीडियो देख सकते हैं। मर्ज है, ऑप्शन लिया 1 2, उसके बाद वापिस कमांड लिया 1 2। ओके, उसके बाद दूसरा वापिस कमांड लिया वही सेम 1 एंड 2। तो जो कहीं देखो पूरी तरह से ज्वाइंट हो चुका है, ठीक है, अभी हम इसको हाइट दे देते हैं, ठीक है, अपनी वाली देखते जाए मैं कैसे करता हूँ, ट्रिपल ई, उसके बाद हाइट दे देते हैं उसकी -0.6। ओके, देखिए हाइट आ चुकी है उसकी -1 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम ग्रुप कर देते हैं, पूरा फोटो फ्रेम ओपन कर देते हैं, हमने जो बनाया है वो सब हाइट में, हाइट में निकालने के लिए ऑप्शन है कंट्रोल अल्टर है, जो आपने जो भी हाइट में डाला वो सब वो बाहर आ जाएगा। देखिए अभी एक इसके अंदर थोड़ा हम इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम पिक्चर फ्रेम का थोड़ा नीचे ले लेते हैं, उससे क्या आपको सब दिखेगा क्लियरली। इस तरह से हमने इसको नीचे ले लिया। ओके, अभी हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं कि दिखे ना है। इस तरह से आपको ये नीचे ले लेना है, इतना हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमको बनाने का है ये वाला, तो ये कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। कॉमा में जाके राइट एंगल ले लीजिए और 3 पॉइंट चालू हो गया, 3 पॉइंट करने के बाद 1 2 एंड 3 हो गया इतना। उसके बाद ए भी ड्रॉ कर दीजिए साथ में, ठीक है, एक और ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ से एकदम इजी ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला आप इधर से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह से, ठीक है, देखते हैं, ये हमारा पूरा ड्रॉ हो चुका है। अभी हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं, सब ज्वाइंट हो गया। ओके दोस्तों, उसके बाद पिक्चर फ्रेम को हाइड कर लीजिए यहाँ से, और इसको ले लीजिए सेंटर में, सेंटर में लेने के बाद इसको रोटेट कर दीजिए थोड़ा सा, ये दोनों को साथ में, ठीक है, रोटेट कट कर देंगे आसपास एंड भी रोटेट, ये हमारा रोटेट हो चुका है, एकदम सीधा हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा भी और कम कर देते हैं, ठीक है, इसको सीधा। ओके, अभी हमारा सीधा थोड़ा हो चुका है, तो सबसे पहले इसको पेट दे दीजिए, पेट देने के बाद ये बीच में से कट करना है, तो कट करने के लिए करना क्या, मैंने आपको सिखाया ट्रिम, उसकी वीडियो में आपको ऊपर दे रहा हूँ, आप वहां से उसकी वीडियो देख सकते हैं। ओके, ट्रिम करने के लिए क्लिक किया एंड फिन ट्री स्पेस, देखिए एक इसकी तरह से हो गया। अब इसको हाइट देने के लिए आपको बताया ट्रिपल ई -0.6। ओके, ये हमारा दूसरा पीस भी तैयार हो चुका है, अभी हम इसको ओपन करके पिक्चर फ्रेम लॉक करके अभी इसको उसकी जगह पे यहाँ पे रख के इस तरह से हम रोटेट कर देते हैं, यहाँ से हमने इसको रोटेट कर दिया इस तरह से, ये अपनी जगह पे आ गया है। ओके, उसके बाद दूसरा पीस यहाँ पे नीचे की हो रही, तो इसको भी हम सबसे पहले हाइट में डाल लेते हैं, अभी हम ए ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ए ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सर्कल लेने का और 2 पॉइंट, सर्कल लेते 2 पॉइंट, देख रहा हूँ मैं आपको कैसे करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले लाइन ले लीजिए, लाइन आपको यहाँ से तक
यहाँ के ड्रॉ करनी है। उसके बाद कॉपी करने के लिए स्पेस। ओके, यहाँ पे कॉपी हो गया। उसके बाद इमेज को हाइट में डाल लीजिए और फिर फॉन्ट कर दीजिए। ओके, अभी हम इसको रेड कलर से जरूरत नहीं है और इसको रेड कलर दे। रेड कलर देने के लिए क्या करने का, सिलेक्ट करने का, उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करने का। ओके, ये हो गया। थोड़ा इसको ऊपर ले जाएंगे, आप सबको दिख सकता है, आप ऐसे दिख सकते हैं। ठीक है, अभी सर्कल लेके 2.1 एंड 2, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद फ्रंट पे कर दीजिए, फिर यहाँ से उसको क्लिक करके इस तरह रख दीजिए। कॉपी करना है आपको, ठीक है, सी स्पेस कर से कॉपी हो जाएगा। ये हमारा कॉपी हो चुका है। उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी इसको क्या करने का, सिलेक्ट 1 एंड 2, उसके बाद लॉफ्ट। लॉफ्ट का शॉर्टकट की है एल स्पेस, तो ये लॉफ्ट हो गया। अगर आपको लॉफ्ट का शॉर्टकट की नहीं पता तो वो कमांड आपको सरफेस में यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला कमांड है लॉफ्ट। ठीक है, ये लॉफ्ट हो गया। अभी देखो यहाँ पे एकदम तो ओपन है, तो उसको पैक करने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया है ना, सॉलिड में कैप करके एक ऑप्शन है। ठीक है, उसका वीडियो मैं आपको ऊपर दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लेंगे। ठीक है, कैप करने के लिए करने का, सिलेक्ट करने का, उसके बाद सीएपी कैप, तो ये दोनों तरह के पैक हो चुका है। ओके, तो अभी हम इसको पहले सेंटर में ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से रखते हैं, उसके बाद इसको हाइट कर देते हैं। अभी हमको ये ड्रॉ करना है। ओके, तो ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल ही कर लेना है पहला वाला, और फिर एक यहाँ से इस तरह से दूसरा एन, इसको यहाँ से ज्वाइंट कर दीजिए। ये ज्वाइंट हो गया है। ओके, तो अभी इसको आपको देख सकते हैं, जो डायमंड है, डायमंड एकदम नीचे डिप में दिखा रहा है। ठीक है, तो डिप में करने के लिए मैं करता हूँ, आपको कैसे करना है देखते जाइए। सबसे पहले आपने जो हाइट में रखता है उसको बाहर निकाल लीजिए, हमको इसकी जरूरत है, हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद गो, तो अभी हमको इसका कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम इसको डिलीट करके और ये रखते हैं, एक आ गया। उसके बाद कव का को क्या करना है दोस्तों, प्रोजेक्ट करना है ऊपर। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम कव सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कव सिलेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट में मैंने आपको सिखाया था, प्रोजेक्ट में यहाँ पे। उसके बाद कव सिलेक्ट के लिए प्रोजेक्ट का ऑप्शन लीजिए एंड फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो देखिए हमारे का ऊपर आ चुका है। ठीक है, अभी हम इसको हाइट डालते हैं और दूसरा जो कमांड उसको डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी हमारा बाहर आ चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले कव सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसको लेना है फेच। फेच देने के बाद इसको हाइट दे दीजिए आप ट्रिपल ई वाली, और उसको यहाँ का बॉट साइड देनी है। तो बॉट साइड हम देते हैं अभी -0.5। ओके, -1.5 में हाइट दे दी है उसकी अभी आपको। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एरी पोलर, मैंने आपको ट्रांसफॉर्म में सिखाया था, उसकी वीडियो मैं आपको ऊपर दे देता हूँ। ठीक है, वहां से आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से एरी पोलर का ऑप्शन है, तो सबसे पहले अभी तो एरी पोलर है सिलेक्ट किया। उसके बाद सेंटर में जाके यहाँ से सेंटर, उसके बाद दो है, आपको कितने चाहिए, चार, तो यहाँ पे भी चार लिख के इस तरह से एरी पोलर हो गया। देखा आपने, और नहीं दोस्तों सेंटर में नहीं, इसीलिए ऐसा बोला, मैं आपको पहले इसको सेंटर में लेता हूँ। ठीक है, अभी ये सेंटर में आ चुका है, सिलेक्ट किया और एरिपोला का ऑप्शन लिया F4 एंड 4। ओके, तो देखिए पूरी तरह से आ चुका है। ठीक है, अभी आपको सिंपली करना है उसको बुलियन। तो बुलियन करने के लिए सिलेक्ट किया, उसकी शॉर्टकट की है BD स्पेस। उसके बाद ये सब ये वन बाय वन आप सिलेक्ट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, देखिए इस तरह से बुलियन डिफरेंट हो चुका है। ओके, अभी हम इसको डायमंड पेस्टिंग भी इसमें कर सकते हैं इजीली। ठीक है, देखिए अभी हम इसको डायमंड इसमें रखते हैं। ठीक है, डायमंड रखने के लिए सिंपल ही करना है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद F6, उसके बाद जेम ऑन सरफेस। आपको जो भी डायमंड लिया है ये 1.4, तो 1.4 का डायमंड लेके ठीक है यहाँ से आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने रख दिया। उसके बाद डायमंड, उसके बाद हम फ्रॉम पेस्टिंग कर देते हैं। डायमंड जगह आपको हमेशा ध्यान रखना है, एकदम कम्प्लीटली रखना है, वरना डिजाइन में डायमंड अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको रख सकते हैं इजीली। ठीक है, ये रख दिया। उसके बाद ये जो डायमंड है उसको आपको एरिपोलर मारना है, तो मैंने आपको बताया था उसी तरह आपको करना है, एरिपोलर में जाना है, इसके बाद 4। तो देखिए डायमंड चारों तरफ आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम उसमें प्रॉन्ग रख देते हैं।
की साइज मैंने आपको बताया था 0.6, ड्रॉप है 0.2 और हाइट है उसकी 0.7 और थिकनेस है उसकी 100 एंड टेपर में आएगा वो 0.0। ओके ठीक है, फिर यहाँ से इसको बंद कर दीजिए वरना आप क्रोम सही से नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉन्ग दिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक प्रॉन्ग हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली प्रॉन्ग को भी आपको एलिवर मार देना है। ठीक है, एलिवर लिया F4 N4। ठीक है, हमारा देखो प्रॉन्ग भी इसको एलिवर लग चुका है। अभी हमको मारना है जैम कटर, तो सब डायमंड सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ से। उसके बाद ग्रुप एंड F6, F6 में आएगा जैम कटर। ठीक है, उसके बाद प्ले कर देना है। यहाँ पे करना है आपको सिंपली 95 100, यहाँ पे 95 कर दीजिए, एंटर एंटर। ठीक है, एंटर होने के बाद सिलेक्ट किया, उसके बाद BD स्पेस एंड जैम कटर, तो हमारे जैम कटर इसमें लग चुका है। देखो मैं आपको डायमंड हाई करके दिखाता हूँ, देखा हमारा जैम कटर लग चुका है, हो गया। ओके, इसको अभी हम सब ग्रुप कर देते हैं साथ में। उसके बाद अभी हम हमारी इमेज ओपन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इमेज ओपन हो गई, तो अभी हमने जो भी बनाया उसको हम बाहर लेते हैं। उसके लिए करना है कंट्रोल अल्टर एच, इसके लिए सब बाहर आ जाएगा। देखिए ये हमारी डिजाइन हो चुकी है। अभी ये ऊपर का दो है उसको आप कॉपी करके यहाँ पे रख सकते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपल सिलेक्ट किया, स्पेस एक यहाँ पे रख दीजिए अभी, और एक यहाँ पे रख दीजिए इस तरह से। ओके, तुम्हारा कॉपी हो गया। अभी इसको यहाँ से लेके रोटेट कर दीजिए इस तरह से, देखा है रोटेट। अभी तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पे आ गया, हो गया। उसके बाद आपको दिखाना है ये करी है, ये करी कैसे मैं बनाता हूँ आपको देखते जाए। ठीक है, सबसे पहले सब हाइट कर दीजिए दोस्तों। करी का जो एक फिक्स माप रहता है, आप माप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करने का, सबसे पहले सर्कल लेने का, सर्कल में लिखने का 1.8 और उसको ऑफसाइड मारने का है आपको ऑफसाइड 0.6। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑप्शन है ट्विन कर्व, मैंने आपको सिखाया है ट्विन कर्व। ठीक है, ट्विन कर्व का शॉर्टकट की है TWE, तो ट्विन कर्व आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉलिड में चले जाइए, सॉलिड में है ये वाला ऑप्शन रिंग, सिलेक्ट किया सेंटर, ये यहाँ से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले बीच में क्लिक कीजिए, यहाँ से क्लिक किया, फिर यहाँ पे छोड़ दीजिए, हमारा ये बन चुका है। उसका कर्व हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, जो बनाया था उसको बाहर निकालना है। ठीक है, ये हमारा आ गया है। अभी देखिए इमेज के हिसाब से आपको सेट करना है। देखिए एक यहाँ पे है, ठीक है, अभी हमने एक यहाँ पे रख दिया, उसके बाद एक यहाँ पे, जैसे जैसे इमेज है उसकी इमेज की तरह के आपको इसको सेट करना है। ठीक है, इस तरह से देखिए, चार मैं कैसे करता हूँ, दो यहाँ पे है तो यहाँ पे भी रख दीजिए इस तरह से, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है दूसरी। ठीक है, उस तरह से आप इसको जहां पे हो आप उसको रख दीजिए इजीली, और एक लास्ट में यहाँ पे भी है। ठीक है, ये हमने सब जगह पे रख दी है, देखिए इस तरह से। देखिए उसको सेट करना पड़ेगा, सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसको मेटल में घुसाना पड़ेगा, देखो इस तरह से, वरना अगर बाहर रखने क्या होगा, वो निकल सकता है वहां से। ठीक है, देखो अभी बाहर है। ठीक है, तो अभी इसको भी सेट करना पड़ेगा इस तरह से, एम स्पेस कर आप इसको मूव कर सकते हैं इजीली इस तरह से। ठीक है, देखते जाए इस करके आपको सब सेट करना पड़ेगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, सब ये देखो ये भी बाहर है। ठीक है, तो इसको भी राइट में करके यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपको इसको सेट करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, ये भी बाहर है तो इसको भी सेट कर दीजिए राइट व्यू में करके सब। अगर आप बाहर रखेंगे तो मेटर से निकल जाएगा, जब इसकी फाइल आएगी तब ये छुट्टी आएगी, इसके में जॉइंट नहीं आएगी। ठीक है, RPT इसकी एक प्रोसेस होती है, डिजाइन बनाने के बाद इसकी आपको RPT फाइल बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, वो जब जब आप जैसे जॉब पे जाएंगे वो सब आपको पता चल जाएगा। देखिए ये भी ज्वाइंट नहीं है, तो अभी हम इसको भी इसके अंदर ज्वाइंट कर देते हैं इजीली इस तरह से मूव करके, समझ गए। सभी फाइल कुछ भी आप मेटल बना दो, मेटल के अंदर मेटल हो 0.2 को हमेशा होना ही चाहिए, वरना वो RPT फाइल में निकल जाएगा। देखिए इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।